What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 18 मई 2020 मंडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। मंडे नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट टू वीक से हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में एक चौपीनेस, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो काफी इस समय एक रेंज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। हालांकि जो वीकेंड था उसकी हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा डिटेल में 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसा होगा ये एक्सप्लेन किया है। हालांकि अभी जो लॉकडाउन 4 है वो 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि दुनिया भर में देखे तो काफी सारी कंट्रीज जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी सी राहत दे रही है, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ईज कर रही है। उससे हमें देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस भी फिर से एक बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो लॉकडाउन है अभी इंडिया में भी ये 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा राहत यहाँ पर दिया गया है। हालांकि जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, टेंशन है, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर लॉकडाउन यहाँ से ओपन होता है तो चांसेस है कि केसेस भी और बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है शॉप्स बिजनेस उसके ऊपर कायम है और ये 31 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि राहत पैकेज तो ऐलान कर दिया, लेकिन राहत पैकेज का असर तभी देखने को मिलेगा जब लॉकडाउन में राहत काफी मिलेगी, बिजनेस शुरू होंगे, लोग ऑफिस जाने चालू हो जाएंगे, सिर्फ इसेंशियल चीजें चालू रख के इकोनॉमी में सुधार नहीं आएगा। सुधार आने के लिए लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने के लिए ये जो कोरोना पैंडेमिक है वो कम होते हुए नजर आना बहुत जरूरी है। हालांकि काफी सारे न्यूज चैनल्स बता रहे कि दवाई मिल गई है, उसके ऊपर वैक्सीन मिल गया है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर WHO इसके बारे में अनाउंस नहीं करता तब तक इसका कंफर्मेशन हमें क्लियरली नहीं मिल सकता, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स होने के लिए लगभग 3 से 4 या कभी कभी साल भी लग जाता है। तो अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनका ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट सितंबर एंड में आएगा, तो तभी 1-3 महीने के बाद ही इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में या फिर दवाई के बारे में हम बात कर सकते हैं। तब तक ये लॉकडाउन हो सकता है एक्सटेंड हो, राहत मिल सकती है, लेकिन ये आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व, US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने जो कहा था कि यहाँ से वी शेप रिकवरी देखना डिफिकल्ट लग रहा है, वो हो सकता है यहाँ से एक 45 डिग्री में या फिर 30-20 डिग्री में ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव करता हुआ दिखे। अभी भी पैनिक भरा हुआ है, इन्वेस्टर्स को इतना कंफर्म नहीं है कि अभी पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ओवरऑल पैंडेमिक है दुनिया भर में वो और भी अभी यहाँ पर केसेस बढ़ रहे, तो हो सकता है फिर से एक बार चौकी में मार्केट हमें देखने को मिले। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये है एक पिक्चर है 15 मई का, आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। उस दिन हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9188 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9116। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद ये दो लेवल्स के बीच में ओपन हुआ और टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ। जैसे ही मूव हुआ हमारा फर्स्ट टारगेट 9080 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 9054 ये भी अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ये फिर से रिकवर हुआ। एट द एंड ये क्लोज भी हुआ ब्रेकडाउन लेवल के पास, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए फ्राइडे को। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार, वहां पर भी जो रीओपनिंग है इकोनॉमी की और लॉकडाउन ईज करने की, उसके मद्देनजर वहां पर भी तेजी देखने को मिली। नासडैक 70 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए थे फ्राइडे को। आज एशियाई बाजार शुरू हो चुके तो SGX निफ्टी में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 140 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।
डाउ फ्यूचर को इस समय देखे तो 274 पॉइंट की इस समय बढ़त बना चुका है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय देखे तो एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत आए। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। तो वीकली चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फिबोनाची रेट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया था, अब ये 23.6 और 38.2% के लेवल के यहाँ पर ये बीच में है। इसने 38.2% के लेवल को भी ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया। अगर ये 8980 पकड़ लेते हैं, 9000 के नीचे यहाँ से चला जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो फिर से एक बार 8700 के लेवल हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर देखें तो ऊपर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बन रहा है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर ये जो अभी स्विंग हाई इसने लगाया 9889 इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो चांसेस होंगे यहाँ से हमें अपसाइड, ये मूव जो है, ये रिकवरी जो यहाँ पर हुई थी ये कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी जो लॉकडाउन यहाँ से और एक्सटेंड कर दिया है तो चौपी मार्केट हो सकता है और यहाँ से डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 9000 एक क्रूशियल सपोर्ट होगा, इसके नीचे अगर चला जाता है तो और भी निफ्टी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो डेली चार्ट में कम्प्लीटली डाउन स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके नीचे एक बार फिर से निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 20 EMA के ऊपर यानी ये जो अभी 9229 के पास है इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ही चांसेस होंगे कि यहाँ से अपसाइड मूव फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। हालांकि आप ये इस डेली चार्ट में क्लियरली देख पा रहे हैं, इस लेवल के पास इसने एक स्विंग लो बनाया था, यहाँ पर काफी सपोर्ट इसने टेस्ट किया था, तो 9000 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। RSI को देखें तो पास्ट में अगर ये रिकवरी जब आई थी तभी ये देखिए ये यहाँ पर हायर हाईज बनाकर चल रहा था, ये देखिए ये ऐसे। लेकिन अभी जो हाल ही का सिनेरियो है यहाँ पर RSI ये लोअर हाई बना रहा है, तो अगर ये लोअर हाई बना के इस ये जो स्विंग यहाँ पर एक बनाया है स्विंग लो इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव हो सकता है। तो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का बना हुआ है और 9000 क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स में लॉन्ग जाते वक्त शॉर्ट पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं। ओवरनाइट अगर कैरी करना है पोजीशन तो आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर 9000 के नीचे यहाँ पर बना सकते हैं। और फिर 60 मिनट के चार्ट में चलेंगे, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने पास्ट में जहाँ पर बाउंस बैक दिखाया था अभी उसी जगह पे इसने फ्राइडे को एक रिकवरी फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाया, तो ये जो सपोर्ट बन रहा है ये काफी क्रूशियल बन जाता है। अगर इसको ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है यानी 9054 जो हमारा सेकेंड टारगेट था फ्राइडे को, इसको अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9015, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 8990, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, इसके ऊपर इसको सस्टेन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो क्विकली ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो 9196 ये इस लेवल को, इस पिवट पॉइंट के R1 को लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9221, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 9242, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, इन लेवल्स को फिर से एक बार रिस्पेक्ट करने दे फिर ही अपनी पोजीशन बनाए, ठीक है। तो ये आज के लिए निफ्टी इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है,
अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।